वेलकम टू आवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा, रोमांटिक सा नॉवेल तेरी सितमगिरी की किस नंबर 37 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो निका स्पेशल एपिसोड है ये, दिल थाम के बैठे हैं सब क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी एपिसोड है ये। आप लोग पीछे हटें, मैं बात करती हूँ। सबिया बेगम जैन पर छा गई थी, किसी को इसके करीब ना आने दिया। बुशरा बेगम कब अरीबा व जैन की शादी को मानती थी, जो अपनी बहन या ख़ानदान में इसका शादी का ढंडोरा पीटती। उन्होंने अपनी सगी बहन तक को इस मुतालिक कुछ ना बताया था, जिसके सबब सबिया बेगम खासा हैरान व परेशानी के आलम में अपने भांजे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। इन्हें आगे आता देख सब पीछे हुए। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो रईस साहब जैसे अमीरो कबीर शख्स की बीवी थी, जिनका अपना ही रोबो दबदबा था पूरी सोसाइटी में। जैन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है? तुम और अरीबा, मतलब ये कैसे मुमकिन है? और अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो फिर बुशरा ने ये बात मुझे कभी क्यों नहीं बताई? और अरीबा 1 साल से यहाँ अपनी माँ के घर क्यों रह रही है? वो सवालात जो हर एक के जहन में गर्दिश कर रहे थे, उनके लबों पर भी वही आन ठहरे। मुझे नहीं पता मॉम ने आपको क्यों नहीं बताया, मगर सच यही है आनी, अरीबा मेरी वाइफ है। और रही उसके यहाँ 1 साल रहने की बात, तो वो नाराज़ होकर आई है मुझसे, वो भी आपके बेटे के बदगुमान करने पर। शर्म आनी चाहिए आपके बेटे को, वो दबे दबे गुस्से में फहद को देखते हुए आखिरी जुमला गोया हुआ, जिस पर फहद इसे जान से मार देने की गर्ज से आगे बढ़ा। लेकिन अगले ही लम्हे रईस साहब ने इसका हाथ थाम लिया और आंखों के इशारे से सब्र तहम्मुल से काम लेने की तलकीन करने लगे। बहुत हो गया, ये लड़का है कौन आखिर, और क्यों यहाँ आकर सब लोगों के सामने हमारा तमाशा बना रहा है? अरीबा के बड़े पुप्पा आग बगोला होकर धाड़े। अरीबा के ख़ानदान वाले जैन और इसके स्टेटस को कहाँ जानते थे? अगर जानते तो यकीनन खुशी खुशी उसकी बात मान जाते। उनके नज़दीक रईस साहब बहुत अमीर और कबीर आदमी थे। उनके बेटे से ख़ानदान की लड़की की शादी सबके लिए मुनाफे का सौदा थी। आज के ज़माने में कौन नहीं चाहता कि उसका उठना बैठना अमीरों के साथ हो? रईस साहब के सामने अच्छा बनने के लिए हर कोई आगे आ रहा था, मगर सामने खड़ा वो खूबसूरत लड़का लापरवाही की इंतहा पर था। मजाल है उसे ज़रा भी फ़र्क पड़ा हो इन लोगों का पुरजोर एहतजाज व जारहाना रवैया देख। अरीबा कब तक खामोश रहने का इरादा है? वो बगैर किसी को जवाब देने की जहमत किए बगैर इस लाल दुपट्टे में मलबूस दुल्हन को देख दांत पीसते हुए चिंघाड़ा। तुम जो कोई भी हो लड़के, मुझसे बात करो, मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी ना करना, वरना अफजल साहब सुर्ख आंखें लिए उसकी जानिब शहादत की उंगली उठाकर वार्न करते हुए धमकी आमेज लहजे में बोले। सर, आपकी बेटी मेरी वाइफ है और उससे बात करने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अगर यकीन नहीं आता मेरी बात पर या इस सर्टिफिकेट पर, तो पूछें अपनी बेटी से, क्या इन पेपर्स पर उसने साइन नहीं किए थे? खासा बरहमी से एक एक लफ्ज़ जताते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहा। वो वाकिफ था अरीबा मुकर नहीं सकती कि पेपर्स पर साइन उसने नहीं किए। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, मुझे उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से बाहर निकलो अभी के अभी, वर अभी अफजल साहब धमकी आमेज लहजे में जहन से बोल ही रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई, पापा वो सच कह रहा है। बस इन जुमलों का सुनना था फहद हक्का बक्का होकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। लगा जैसे पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो इस जालिमा ने। ये क्या क्या बोल रही हो तुम? फहद अपने जज्बात को बिखरने से रोक नहीं पा रहा था, फौरन ही बेयकीनी से कहता हुआ उसकी जानेब आया, वही जो सच है। अरीबा ने खड़े होते ही अपने चेहरे से वो नेट का लाल रंग का दुपट्टा ऊपर उठा दिया। वो धीमे से गोया हुई, तुम जानती भी हो अरीबा, तुम क्या बोल रही हो? हम बारात लेकर आए हैं तुम्हारी, मेरा बेटा दूल्हा बनकर आया है तुम्हारा, और तुम कह रही हो कि तुम पहले से शादीशुदा हो? सबिया बेगम इसके करीब आकर उसका बाजू झंझोड़ते हुए जज्बाती होकर कहने लगी। इस लड़की ने उनका मजाक बना दिया था पूरी बरादरी व रिश्तेदारों व दोस्त अहबाब के सामने। उनका बस नहीं चल रहा था वो इस लड़की का मुंह नोच लें, जो उनके बेटे के जज्बात के साथ खेल कर अब धड़ल्ले से खड़े होकर उस बात का इकरार कर रही थी।
फहाद इसे बला की हसरत व शिकवे भरी निगाहों से तकने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरीबा उसे इतना गहरा घाव भी दे सकती है। ये सब क्या तमाशा है अफजल, रईस साहब बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया अफजल साहब को देखते हुए इस्तफसार करने लगे। अरीबा, अफजल साहब का दिमाग घूम कर रह गया था। अगर वाकई अरीबा शादी कर चुकी थी तो फिर रईस साहब के दिए हुए इन 5 लाख का क्या? वो तो कर्जा उतार आए थे, अब वापस देने के लिए एक फूटी कोड़ी तक ना थी इनके पास। वो गुस्से से पागल होकर बुरी तरह चीखते हुए उसकी जानिब लपके। फहद का तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। वो बला की हसरत व शिकवे आंखों में समोए उल्टे कदम लेते हुए पीछे जा रहा था, जबकि सबीहा बेगम उसे बुरा भला कहकर अब निदा बेगम से लड़ने लगी थी। ये सब होता देख अफजल साहब गजबनाक होकर अरीबा को इज्जत के नाम पर मार देने की नीयत से इस दुल्हन बनी लड़की की जानिब लपके। उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो वो डर कर मुँह पीछे कर आँखें मींच गई। कोशिश भी मत कीजिएगा इसे हाथ लगाने की, बीवी है मेरी, अभी वो मार पाते इससे कबल ही। उनके और अरीबा के दरमियान वो हसीन स्याह कपड़ों में मलबूस नौजवान दीवार बनकर हाइल हो गया। अफजल साहब का हाथ हवा में ही उसने पकड़ लिया था, भरम से आंखों में आंखें डाल कहते अगले ही पल उनका हाथ झटक दिया। अरीबा इसका जुमला सुन दीवाना वार से तकने लगी। लगा जैसे आज फिर उससे मोहब्बत हो गई हो, फिर इश्क हुआ हो। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा वो। मैं अरीबा की माँ होने की हैसियत से आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ अपनी बारात वापस ले जाएं। निदा बेगम ने नहायत शर्मिंदा लहजे में नज़रें झुकाए और दोनों हाथ जोड़े कहा। इनके कहते ही सबीहा बेगम अंगारे चबाते हुए अपनी बारात बिना दुल्हन के वापस ले जाने के लिए तैयार हुई। मैं और रईस कभी भी तुम्हारी इस आवारा बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए राजी ना थे। वो तो फहाद ही पागल था इसके पीछे, मगर शुक्र है आज इसने अपनी आंखों से इस बदकिरदार व बदचलन का असल रूप देख लिया। अगर जैन ना आता तो ये तो निकाह पर निकाह कर लेती, बेशरम कहेंगी। सफीहा बेगम अरीबा की जानिब देखते हुए मुस्तकिल उसे बुरा भला कह रही थी। बस मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ जोर नहीं आनी, जैन ज़ोर से धाड़ा था। सबीहा बेगम की जानिब देख इसकी नज़दीक आंखें अंगारे बरसा रही थी इन पर। चलो सबीहा, यहाँ एक लम्हे और रुकना, मैं अपनी तोहीन समझता हूँ। रईस साहब सबीहा बेगम का हाथ पकड़कर एलानिया अरीबा के ख़ानदान व जैन की जानिब देख भरम से गोया हुए। वो बारात लेकर वापस लौट गए थे। अब मुझे भी इजाज़त दें, मैं भी अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इस खूबरू नौजवान ने निदा बेगम की जानिब देख रौबदार अंदाज में अपनी बात कही। यकीनन वो पूछ नहीं रहा था, वो बता रहा था कि साथ ले जाने आया है। अगले ही पल उसने अरीबा का नाजुक हाथ सबके सामने थामा अपने साथ ले जाने की नीयत से। रुक जाओ, अरीबा ने अगले ही लम्हे उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया। जैन हैरान होकर पीछे मुड़ा, निदा बेगम और बाकी सब उलझकर देख रहे थे। निकाह करो मुझसे अभी इसी वक्त मेरे पूरे ख़ानदान के सामने, वरना तलाक दो मुझे। वो किस रिश्ते से इसके साथ गैर मुल्क जाती, माना ये मुतालबा करते वक्त दिल शदीद डर रहा था कि कहीं वो सितमगर फिर इनकार ना कर दे, फिर इसकी इज्जत नफ्स को मजरू ना कर दे, सबके सामने इसे तमाशा बनाकर ना छोड़ जाए। वो क्रिस्टल से चमकती भूरी आंखों में आंखें डाल फैसला कुन लहजे में बोली, यार या तो आज आर करे या पार करे, बीच की अब कोई राह नहीं। सब सुन सी कैफियत में उस हसीन जोड़े को देख रहे थे जिनके दरमियान चल क्या रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसकी खामोशी अरीबा के दिल पर शदीद भारी थी। उसकी नीम शहद रंग आंखों में आंसू बहने लगे। सितमगर का जवाब ना देना उसकी रूह को छल्ली कर रहा था। लगा जैसे कांटों पर लौट रही हो। आंसुओं से आंखें भर जाने के सबब अब सितमगर का चेहरा धुंधलाने लगा। वो नज़र झुकाकर रोने लगी, तो तुम अब भी मुझसे निकाह करने के लिए राजी नहीं? वो दिल ही दिल में शदीद सदमे से दो चार हालत में अभी ज़मीन पर गिरने ही लगी थी कि कानों में उस खूबरू नौजवान की गजदार आवाज़ गूंजी, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। इसके कहते ही अरीबा ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा बेतासुर लिए हुए था, मगर फिर भी वो खुशी से झूम उठी थी। बस ना चलता हो के उसके सीने से लग जाए,
इसने आंखों के इशारे से बैठने का कहा, मगर वो दीवानी हवासों में कहाँ थी। उसे आज क्या मिलने जा रहा था, कोई पूछे तो ज़रा। उसे इशारा ना समझता देख खुद ही उसकी नाजुक दूधिया कलाई थाम कर सोफे की जानिब बढ़ा, मगर फिर अगले ही पल मुड़कर इसके सर से वो लाल नेट कर मगर अगले ही पर मुड़कर उसके सर से वो लाल नेत का दुपट्टा उतार कर ज़मीन पर दांत पीसते हुए फेंका, जिस पर फहद की दुल्हन लिखा हुआ था। वही जानता था किस दिल से बर्दाश्त कर रहा था ये दुपट्टा उसके सर पर। फिर दोबारा हाथ थामा पहले से ज़्यादा मजबूत, अपने साथ सोफे पर ले जाकर बैठ गया। जैन ने अपने वकील व पुलिस अफसर को गवाह बनाया और अरीबा की जानिब से क्योंकि कोई इस शादी के लिए राज़ी ना था इसलिए सब खामोशी से खड़े निकाह होते देखने लगे। सर पे सजा के सेहरा, बारात लेके आओ, दुल्हन मुझे बना के डोली में लेके जाओ। वो कबूले कह रहा था अपनी अंग्रेजी तर्ज की उर्दू में। उर्दू पहले कभी इतनी मीठी ना लगी जितनी उसके मुंह से लग रही थी। वो पलक तक नहीं झपका रही थी, दीवानी उसे तक रही थी, ऐसे तक रही थी जैसे पहले कभी उस जितना हसीन ना देखा हो। हकीकत भी यही थी कि देखा नहीं था, वो दुनिया का सबसे हसीन व जमील मर्द था उसके लिए, क्योंकि वो इसका दुल्हा था। उसका ईसो अपने ई की दुल्हन बनी थी आज। सब ने देखा इस हसीन नौजवान के हाथ कांप रहे थे दस्तखत करते हुए निकाहनामे पर। बारहा जिंदगी में अपने दस्तखत किए थे मगर निकाहनामे पर दस्तखत उसकी रूह को अजीब से सहर व जज्बे में जकड़ रहे थे। वो शदीद नफ़रत लेकर आया था अपने दिल में, लेकिन इस लम्हे बचपन की मोहब्बत इस बला की नफ़रत पर भी गालिब आ गई। तुझे मैं मनाऊँ तेरी बात मैं मानूँ, तुझे प्यार करूँ मैं सजना, हाँ तुमसे ही प्यार हुआ है, हाँ तुम ही से प्यार हुआ है। इस लड़की का पूरा वजूद लरज रहा था। बचपन में एक शहजादा सोफे पर बैठा देखा था जो आंखों के रास्ते दिल में उतर गया था। माना इसे खबर ना थी मगर दिल जानता था। कब सोचा था वो सात समंदर दूर रहने वाला शहजादा एक दिन इसके लिए दुनिया से लड़ जाएगा, उसका हाथ सबके सामने ऐलानिया थाम लेगा। उसे अपनी बीवी होने का दर्जा देगा। वो लम्हा जैसे वक्त ठहर गया, पूरी जिंदगी आंखों के आगे घूमने लगी। कहाँ वो आम सी लड़की, कहाँ वो न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन, कहाँ वो फाकों में जिंदगी गुजारने वाली, कहाँ वो करोड़ों की शॉपिंग करने वाला, कहाँ वो ईद पर एक सूट बनवाने वाली, कहाँ वो ब्रांडेड कपड़े एक बार पहनकर फेंक देने वाला। ज़मीन व आसमान का फ़र्क था दोनों के स्टेटस में। अपनी माँ का कहा जुमला उस पल शिद्दत से याद आया कि खुदा बेहतर लेकर बेहतरीन देता है, और उसके ई से ज़्यादा बेहतरीन कौन हो सकता था उसके लिए। कबूल है, वो फूली फूली सांसों के साथ बोली। उसके पूरे वजूद को लड़सते हुए जैन ने भी बाकी सबकी तरह देखा। वो खुश थी इस दीवानी की हद से ज़्यादा खुशी, ऐसी खुशी जो वो लफ्ज़ों में बयान ना कर सके। वो इसे दोनों जहानों में अपना सरदार व दिलबर कबूल कर चुकी थी। साइन करो बेटा, मौलवी साहब के कहते ही उसने अपनी आंखें रगड़ कर निकाहनामे को गौर से देखा। वो इस लम्हे को धुंधला नहीं चाहती थी। फिर कपकपाते हाथ से इस पर अपना दस्तखत किया। मुबारक हो आज से आपका मुबारक हो आज से आप दोनों शरण मियाँ बीवी हैं, मौलवी साहब के कहते ही निदा बेगम की आंखें आंसुओं से भर आईं। क्या वो नहीं जाती थी उनकी बेटी किस कदर वालेहाना मोहब्बत करती है जैन नामी लड़के से जिसे वो पहली बार देख रही थी। मुबारक हो मिसेस जैन वक्कारुद्दीन, उसने अरीबा की जानिब सुर्ख डोरे आँखों में सजाए संजीदगी से कहा। बस इतना सुनना था कि वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो दीवानी ऐसे रोई कि उसे भी साथ रोने पर मजबूर कर गई। आखिर वो अकेली तो ना थी ना जिसे इसका महबूब मिला हो। जैन उसे अपने हिसार में जकड़कर उसके कंधे में मुँह छुपाकर रोने लगा। वो दोनों बच्चों की तरह